नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। दोपहर में 3 बजे का टाइम है। मैंने आपको असम सीरीज़ के समय बताया था गुवाहाटी इज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम मेघालय घूमने के लिए आए हैं। मैंने यहाँ आकर पता लगाया आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिलेगा और शेयर टैक्सी भी मिलेगा शिलोंग जाने के लिए। 113 किलोमीटर की ये जर्नी है। शेयर टैक्सी चार्ज करेगा 500 रुपीज़ पर पर्सन, प्राइवेट टैक्सी का 2000 रुपीज़ विदाउट एसी और 2500 रुपीज़ विद एसी। हमने टैक्सी की बात ऑलरेडी कर ली है। चलिए अब यहाँ से शिलोंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत यूनिक रोड है। रोड के लेफ्ट हैंड साइड में जो आप एरिया देख रहे हैं ये असम में आता है और डिवाइडर के राइट हैंड साइड पे जितना एरिया देख रहे हैं सारा मेघालय है। सारे पेट्रोल पंप आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे। 3 से 4 रुपया पेट्रोल यहाँ पर सस्ता है, पेट्रोल भी और डीजल भी। आगे जाकर हम राइट लेंगे शिलोंग के लिए। हम शिलोंग पहुंच गए। पुलिस बाज़ार से 3 किलोमीटर दूर हमने अपने लिए होटल लिया है, ऑर्किड एनेक्स। डबल ऑक्यूपेंसी में यहाँ पर हमको टैरिफ 2250 पड़ा है। मैंने आज मॉर्निंग में मेक माई ट्रिप के थ्रू बुकिंग करवाई थी, अदरवाइज़ टैरिफ यहाँ पर ज़्यादा है। रूम कंफर्टेबल है, खाना हमने खा लिया है। अब आपसे कल मुलाकात होगी। सुबह 8:30 का टाइम है। शिलोंग का वेदर बहुत प्यारा है। मेरे साथ इस समय विक्रम भाई हैं, शिलोंग में गाड़ी चलाते हैं टैक्सी। आज हमको ये शिलोंग घुमाएंगे। 2600 रुपीज़ हमसे ये चार्ज ले रहे हैं। ये सामने इनकी टैक्सी खड़ी है। सबसे पहले हम घूमने के लिए निकल रहे हैं एलिफेंट वाटरफॉल्स। आधा घंटा लगेगा पहुँचने में जी। हाँ बिल्कुल, 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। चलिए चलते हैं। आइए जी। जब आप गुवाहाटी से आ रहे होंगे तो आप ये जंक्शन मिस नहीं कर सकते। इसको रिलबोंग जंक्शन बोलते हैं। आप इस तरफ स्ट्रेट जाएंगे तो शिलोंग सिटी पहुंचेंगे, और अगर आप इस रास्ते को पकड़ लेंगे तो आप दाउकी, अपर शिलोंग, सोरा की ओर चले जाएंगे। आज मैं मॉर्निंग में यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ ब्लैक टैक्सी बहुत कॉमन है, ऊपर से छत येलो मारुति का गाड़ी। शेयर में भी टैक्सी यहाँ पर अवेलेबल होती है लोकल ट्रैवल करने के लिए। चलिए हम आगे एलिफेंट फॉल्स की ओर बढ़ते हैं। ₹20 पर पर्सन एंट्री टिकट लेकर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बेच रहे हैं। सामने मैं देख रहा हूँ फास्ट फूड कम जादो स्टॉल। आप यहाँ पर पकोड़ा, आलू चॉप, चौमिन
और मोमोज भी खा सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। 15-20 सीढ़ी नीचे उतरकर हम यहाँ पर आ गए हैं। 3-स्टेप वाटरफॉल है, सामने लिखा हुआ आप देख भी रहे हैं। फर्स्ट वाटरफॉल, सेकंड और थर्ड इस तरफ। फर्स्ट वाटरफॉल की ओर चलते हैं। फर्स्ट वाटरफॉल हमको डिस्टेंस से देखना होगा, वहाँ नज़दीक तक नहीं जा सकते। अभी सुबह 9:30 का टाइम है, काफ़ी टूरिस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर धीरे धीरे कर आ रहे हैं। ऊपर हमने फर्स्ट स्टेप वाटरफॉल देखा, 15-20 सीढ़ी उतरने के बाद अभी हम आगे सेकंड स्टेप वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पर वाटरफॉल से हम काफ़ी नज़दीक हैं। नीचे आप देख रहे हो काफ़ी लोग वाटरफॉल के पास भी खड़े हैं। ये थर्ड स्टेप है, चलिए थोड़ा नीचे चल के भी देखते हैं। थर्ड स्टेप वाटरफॉल हम पहुँच गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। वाटरफॉल्स कैसे भी हों, ह्यूज मीडियम छोटे बड़े कैसे भी, लेकिन खूबसूरत हमेशा लगते हैं। एलिफेंट फॉल्स आने का टाइम है 7:00 से 6:30 तक। ये जो हम आपको पहना रहे हैं खाली खासी ट्रेडिशनल में पहनते हैं। डांस खासी शार सुकमनसी, वो ये स्टार्टिंग होता है नवंबर से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, ठंडा मौसम में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन है वॉर्ड्स लेक। पहुँचने में लगभग 30-40 मिनट का टाइम लगेगा। रास्ते में हम ML05 रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, काफ़ी फेमस कैफ़े है ये, लेकिन हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे वहाँ पर। हम वॉर्ड्स लेक पहुँच चुके हैं। 10 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट ले लिए, 20 रुपीज़ कैमरा का। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मॉर्निंग में वॉर्ड्स लेक 8:30 ओपन होती है, ट्यूजडे क्लोज रहता है। चलिए अब यहाँ से लेक की ओर चलते हैं। अंदर आके हमने देखा यहाँ पर बोटिंग हो रही है। मैंने पता लगाया 160 रुपीज़ चार्ज है, जिसमें आप 25 मिनट पैडल बोट कर सकते हैं चार लोग। अभी हम बोटिंग नहीं कर रहे, लेकिन नीचे आके क्लोजर व्यू में बोट्स खड़ी हुई देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप डक्स देख सकते हैं, साफ सफाई काफ़ी है। बोटिंग स्टार्ट यहाँ पर 9:30 होती है, हालांकि पार्क में एंट्री आप 8:30 कर सकते हैं। लगभग 40 मिनट्स का सफर करके हम डॉन बॉस्को म्यूजियम पहुंच चुके हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री टिकट है, टिकट हमने निकाल ली है। अब यहाँ से हम अंदर की ओर जाते हैं। म्यूजियम में हमारी मुलाकात डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम डॉक्टर मनोज से हुई। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी हमें म्यूजियम के बारे में कुछ बताएं। द डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर्स और पॉपुलरली नोन एज द डॉन बॉस्को म्यूजियम इज अ वेंचर of a private venture of the Salesians of Don Bosco, a part of the Catholic Church, in which we have this center, which is a research center, and we have a museum, we organize seminars, etc. The purpose is to promote cultures of Northeast India. Now we are talking about some 250 tribes and major sub-tribes. What we have here is all about these tribes, their dresses, their weapons, their fishing and hunting methods, their storing devices, the ornaments, the so many things about all these tribes. This is now it's 15 years running after the inauguration, and we have over 17-18 galleries. We invite people and we say, we claim rightfully that if you want to see Northeast India, this is the best place to start with. Because we call ourselves as Northeast India under one umbrella.
My request to you visitors is drop in. See this museum. It takes at least 1 hour and a half if you can rush and see it. Otherwise, it takes 2 to 3 hours of your time, but it's worth because it gives you an overall picture of Northeast India and its tribal communities, the cultural communities. एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम में जो हमने भी टाइम स्पेंड किया कि यहाँ पर ना हर थोड़े डिस्टेंस में क्योंकि 7 फ्लोर्स हैं तो जगह ऐसे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर टच स्क्रीन है. अब ये पर्टिकुलर ट्राइब है, इनके फेस्टिवल्स के बारे में जानना तो आप उसके बारे में पढ़िए, उस फ्लोर में जो उस ट्राइब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में आप फिजिकली देखिए एंड यू मूव ऑन. बाकी आप आएंगे तो यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉट ओनली मेघालय, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट. Thank you so much for your time. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. टॉप फ्लोर में हम स्काई वॉक देखने आ गए, बहुत शानदार नज़ारा आ रहा है शिलोंग का. इन्होंने यहाँ पर डायरेक्शनल बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, असेंबली हॉल, राजभवन, शिलोंग पीक, एयरफोर्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है. तो मेरे को लोगों ने बताया कि मेघालय में दिन भर मौसम ऐसा ही रहता है, स्पेशली हम लोग यहाँ पर अभी अगस्त के लास्ट वीक में आए हैं और अभी एक महीना तक तो ऐसा रहेगा. टू गुड मन हो रहा है यहाँ पर आधा पौना घंटा सिर्फ बैठे और हवा के इस फ्लो को महसूस करें. डॉन बॉस्को म्यूजियम से 15 मिनट का सफ़र करके अभी हम आ चुके हैं यू एंड आई आर्ट्स कैफे में. मेरे साथ कैफे ओनर हैं मिस्टर वॉनफाई. ग्रेट वॉनफाई मींस कम बैक, वापस. बड़ा लवली नेम है, फैंटास्टिक. इस जगह को मौरो बोलते हैं, मैंने सही प्रोनाउंस किया? ठीक है, मौरो. मौरो, ग्रेट. तो इनके यहाँ पर मेघालय ट्रेडिशनल फूड आपको मिलेगा. अभी तक जो हमने जानकारी प्राप्त करी है आज के दिन में, यहाँ पर नॉनवेज फूड ज़्यादा चलता है, वेज फूड कम चलता है, लेकिन इनके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अभी डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने बताया मेघालय में 3 ट्राइब्स हैं, खासी रीजन जहाँ पर अभी हम हैं, जयंतिया रीजन हिल्स बोलते हैं वहाँ पर, और गारो रीजन. तो अभी इनके पास गारो फूड इस मोमेंट पर अवेलेबल नहीं है, वो भी जल्दी अवेलेबल करवाएंगे. तो आपके यहाँ हम लंच में क्या खा सकते हैं? कम आई विल शो यू. ये पोटैटो की आप स्किन देखिए, रेड कलर की है, तो रेड पोटैटो बोलते हैं इसको. इनका कहना ये है कि मंडी से आने के बाद इसको वॉश करने के बाद वुड फायर पे बॉईल करते हैं, और यहाँ की ये स्टार डिश है. काफ़ी लोग तो ये बॉइल्ड रेड पोटैटो खाने के लिए ही यहाँ पर आते हैं, तो हम भी ये खाएंगे. और ये कह रहे हैं कि इसमें स्टार्च कम होता है, ये रीज़न की वजह से लोग पसंद करते हैं, प्लस ऑफ कोर्स बॉइलिंग प्रोसेस. इनके कैफ़े के बाहर ही सिटिंग एरिया, यहाँ पर बैठकर हम क्या क्या खा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ. रेड पोटैटो आपने देखा बॉयल होते हुए, साथ में आप देख रहे हैं इस ट्रे में ये सब हर्ब्स हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये है अनियन और गार्लिक का कंबाइंड. ये ब्राह्मी जो टूथपेस्ट में आपने जाना होगा कि इस्तेमाल किया जाता है, ये है हर्ब. लेकिन इसको हम स्मेल करते हैं जब तो अनियन जैसी स्मेल आती है. साथ में इसको क्या बोलते हैं? जतीरा लोकल हर्ब. तो स्टार्ट हम आलू से करते हैं. मुझे एक चीज़ बताइए बा, ये आलू स्किन के साथ भी खा सकते हैं? स्किन के साथ भी खा सकते हैं, और जो आप स्किन पसंद नहीं करता तो निकाल सकता है. मैंने कभी स्किन के साथ आलू खाया नहीं, तो एक बार ट्राई करके देखें. थोड़ा सा बटर, सॉल्ट, मिर्च. मैंने ना सॉल्ट ज़्यादा लगा लिया, तो मुझे सॉल्ट हल्का सा कम लगाना चाहिए था. अब आ रहा स्वाद, पहले वो पूरा सॉल्टी सॉल्टी हो गया था. ये आलू भी फ़र्क है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मे बी दैट इज द रीज़न. लवली. अच्छा ये है, हल्का सा मिर्च लगा लो तो टेस्ट और मज़ेदार हो जाता है. स्प्रिंग ऑनियन के साथ, स्प्रिंग ऑनियन के साथ, वंडरफुल. आज से पहले मैंने कभी
स्किन के साथ आलू खाकर ट्राई नहीं किया था और ये आज पहला एक्सपीरियंस मेरा काफी मजेदार रहा है। सामने आप रोजेला फ्लावर देख रहे हैं, ये वाइल्ड फ्लावर है, इससे ये चाय बनाई गई है। इसका नाम मैजिक टी है, ऐसा क्यों? क्योंकि चार टेस्ट मिलेगा। अच्छा, चार टेस्ट मिलेगा, ग्रेट। खट्टा है लेकिन एक डिफरेंट किस्म की सारनेस है। ये कंपैरिजन नहीं कर सकते सारनेस किस तरह की है, बिकॉज बहुत यूनिक खटास है इसके अंदर। जैसे आपका सेंसेस एक्टिवेट हो जाता है ना पीने के बाद, वैसी फीलिंग आ रही है। एनर्जी बूस्ट के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट डालने से टेस्ट एकदम चेंज हो गया, वाकई। इसीलिए इसका नाम मैजिक टी है। अभी बारी है हनी। ये डेडली है वैसे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट, टू गुड। खट्टा, मीठा, नमकीन, सॉल्ट है ना इस वजह से। अभी मैं ब्लैक स्टिकी राइस लूंगा। हल्की हल्की स्वीटनेस है, वो कैसे है स्टिकी राइस के टेस्ट में? वो हनी या शुगर हम लोग ऐड किया, थोड़ा ऐड किया। बात हो रही है ब्लैक राइस की, तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्लैक राइस बहुत कॉमन है और इसका स्टार्ट मणिपुर से हुआ था। मणिपुर से? हाँ। ब्लैक राइस में थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा बटर का टेस्ट, तो कुल मिला के नाइस टेस्ट। काफ़ी इन्जॉय किया हमने, समथिंग वेरी डिफरेंट। और अब दोबारा मेघालय आएंगे तो मौका लगेगा तो ज़रूर आपके पास दोबारा विजिट करेंगे। और ये कह रहे हैं अगर आप आओ सैटरडे के दिन तो वैरायटी ज़्यादा रहती है। चलो, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। इस समय हम पुलिस बाजार मार्केट में हैं। आपकी जानकारी के लिए शिलोंग की ये मेन मार्केट है। पिछले पौने घंटे से हम यहाँ पर घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है, जैसे कि दुकानें हैं यहाँ पर जहाँ आपको कपड़े के अंदर ह्यूज वैरायटी मिलेगी। जगह जगह यहाँ रोड साइड पर ही जूते चप्पल मिल रहे हैं, इस तरह की शॉल्स मिलती हैं जगह जगह, मोबाइल की काफ़ी सारी दुकानें हैं, बैग्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है और आप कुछ शॉपिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आपका आने का ऑब्जेक्टिव प्योर साइट सीइंग है तो आप पुलिस बाजार एस्केप भी कर सकते हैं। क्रॉसिंग जहाँ पर सेंटर पॉइंट है वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो आप नोटिस करेंगे ट्रैफिक जैम भी हल्का हल्का होता रहता है इस एरिया के अंदर। इस समय शाम के 7 बजे हैं, हम 10-15 मिनट यहाँ पर रहेंगे, फिर यहाँ से चलते हैं और आज के दिन की जर्नी को एंड करेंगे। अगर आप मेघालय घूमने मई से लेके अगस्त सितंबर के बीच में आ रहे हैं तो बारिश तो आएगी, इसके लिए आपके पास छतरी होनी चाहिए, रेनकोट भी होना चाहिए। मेरे पास छतरी नहीं है तो छतरी दिखाइए आपके पास कौन सी है, क्या कीमत है इसके? 280। तो 280 रुपये की छतरी है, ये हल्की है, हवा में उड़ जाएगी ऐसा लग रहा है। नहीं उड़ेगी, ठीक है, साइज़ काफ़ी बड़ा है तो ये आप मेरे को एक दे दो। अभी हम सेंटर पॉइंट पुलिस बाजार मेन रोड तक आ चुके हैं, हमारी ये जर्नी यहीं पे समाप्त हो रही है। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी नया एपिसोड मेघालय टूर, जिसमें आप काफ़ी सारी साइट सीइंग देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले सीरीज़ और एपिसोड्स आप मेघालय के बहुत इन्जॉय करेंगे। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए पहले ही बताना चाहता हूँ, जब आप शिलोंग आएंगे तो कोशिश करिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं या लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग करिए। इवनिंग के समय यहाँ ट्रैफिक काफ़ी बिल्टअप हो जाता है तो इवनिंग टाइम आप अवॉइड करिए। दूसरी बात, यहाँ पे सनसेट जल्दी होता है तो स्टार्ट योर डे अर्ली, आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो आपसे जल्दी दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय,
थैंक्स फॉर योर टाइम। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हम सेक्रेट फॉरेस्ट घूमने गए, शिलोंग व्यू पॉइंट भी गए। शिलोंग व्यू पॉइंट जाकर तो ऐसा लग रहा था जैसे हम एयरक्राफ्ट में बैठे हों और शिलोंग में हमारी लैंडिंग हो रही हो, पूरा शिलोंग का व्यू दिखाई दे रहा था। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमें बोला कि आप हमें कॉस्ट भी बताया करो। अब आपको मैं कल और आज की कॉस्ट बताता हूँ। गुवाहाटी से शिलोंग आने के 2,500 रुपये, होटल जहाँ हम रुके मैंने आपको बताया 2,250, दो लोग अगर तीन मील्स खाते हैं तो 1,500, इतना ही खर्चा हमारा भी हुआ। लोकल टैक्सी मैंने आपको बताया 2,600 और लोकल साइट सीइंग और एंट्री टिकट मोटा मोटा 200 रुपये ले लीजिए। तो सब जोड़ लेंगे तो कल यहाँ पहुँचने के बाद से लेके आज रात तक का जो हमारी कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपीज़ है। तो आप भी अगर दो लोग आएंगे तो आपका भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही खर्चा होगा। बाकी डेली बेसिस मैं कोशिश करूँगा हर एपिसोड के एंड में आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी बता सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये एपिसोड पसंद किया। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।